तुम्हारी और तुम्हारे आशिक की निशानी मेरे गुलाम बन चुकी, तो तुम क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे गुलाम बनकर रहूंगी, लेकिन मेरी सोनिया का पीछा छोड़ दो। वो तो मैं तय करूँ, पहले तुम्हारी वफादारी चेक की जाएगी कि तुम कितनी। पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वासु ने चौरसिया की चोरी पकड़ ली थी, कि कैसे वो कपड़े सिलाई के आड़ में लड़कियों के साथ मजे लेता था, और यही पूरा सीन वासु ने अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब देखते हैं वासु आगे इसके साथ क्या करता है। तो अब वासु चौरसिया से मिलके अपने दुकान पे वापस आ जाता है, और अब आते ही इसके पड़ोस में रहने वाली रानी अपनी चोली सिलवाने वासु के पास आती है। वासु चोली सिलने के 1000 रुपये मांगता है, पर अभी तो इसके पास देने के लिए इतने रुपए नहीं होते। तो वासु अपने दिमाग की बत्ती चलाकर रानी को एक बम्पर ऑफर देता है कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तो मुझे खुश करो और मैं तुम्हारे कपड़े पूरे फ्री में सिल के दूंगा। वैसे भी वासु ने पिछली बार इनका वाला महायुद्ध देख लिया था, तब से वो इसके पीछे पागल हो गया था, तो ये अच्छा मौका है इसकी लेने का। रानी तो एक नटखट किस्म की लड़की है, वो तो इस काम के लिए फटाक से मान जाती है। फिर क्या, अपना वासु भाई अपने जंगली अवतार में आके जो रानी के साथ रोमांस करने लगता है ना, कि क्या ही बताऊँ, पूरा मज़ा आ जाता है भाई। वासु भाई थोड़े डिफरेंट अंदाज में आके रानी की चुदाई करता है, और आपको ये सीन पूरे 10 मिनट तक देखने को मिलेगा। वासु अपने पैसे वसूल होने तक रानी को छोड़ता ही नहीं, और वासु भी चौरसिया के रास्ते पे चलने लगा है। अब पता नहीं ये आगे किन किन लोगों की बैंड बजाएगा। तो अब कुछ देर बाद चौरसिया वासु को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं किसी काम की वजह से शहर में जा रहा हूँ, तो मैंने अपने सारे कस्टमर तेरी तरफ भेज दिए हैं, अब तू उनके कपड़े सिल के खूब पैसे कमा, वाट जनाब जो तू चाहता था वही हो रहा है, वो भी बिना कुछ करे, अब इसकी तो मजे ही मजे है। और अब अगले दिन सबसे पहले वो कस्टमर आती है जो पिछली बार चौरसिया के साथ अपनी गांड मरवा रही थी, यानी कि नैना मैडम। वासु के लिए ये प्रसाद से कम नहीं है, क्योंकि इसकी लेने के लिए वासु को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वासु के पास इसका वाला नंगा वीडियो है जिसके ज़रिए वो इसकी लेने वाला है। अब नैना आकर अपने कपड़े सिलाई का काम बताने लगती है, पर काम गया भाड़ में। वासु सबसे पहले नैना के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती वाला प्यार करने लगता है, पर नैना ऐसा नहीं करना चाहती। वो वासु को गालियाँ देके यहाँ से जाने लगती है, पर रुको ज़रा सब्र करो, बोला ना धक्का बुक्की नहीं करने का। वासु अब उसी का नंगा वाला वीडियो उसी को दिखाकर उसकी बोलती बंद करवा देता है, और उसे वही मांगने लगता है जिसके लिए अभी नैना मना कर रही थी। अगर वो नहीं देगी तो इसके लवड़े लग जाएंगे। चौरसिया के साथ करने में कुछ नहीं हुआ तो वासु के साथ क्या घंटा होगा, और फिर क्या, इसके बाद का नज़ारा बस देखने लायक है। इस बार वासु जंगली शेर बन के नैना का शिकार करता है, और इनका ये सीन जहर है जहर। कैमरामैन को सल्यूट है, क्या मस्त तरीके से सीन को शूट किया है यार, कभी टेबल पे तो कभी सोफे पे तो कभी खड़े खड़े, इसको बोलते हैं असली हॉट सीन जो पूरे 23 मिनट का है। और अगर आपके पैसे वसूल ना हो तो मुझे बोलना, वासु का मन एक बार करने से थोड़ी ना भरने वाला है, वो तो फिर करके ही रहेगा, देखते हैं कितनी बार करता है। तो अब टेलर नैना की बैंड बजाने के बाद उसके कपड़े भी सिल के देता है, और वासु की ये डिज़ाइन नैना के माँ को बड़ी पसंद आ जाती है, जिसके बाद नैना अपनी माँ को लेकर यहाँ पे आती है उनके भी कपड़े सिलवाने के लिए। पर अभी आता है मज़ा, क्योंकि ये और कोई नहीं वासु की भागी हुई धर्मपत्नी है, जिसे देखते ही वासु के सारे नट बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं। वासु को विश्वास नहीं होता कि ये मेरी आंखों के सामने फिर से लौट आ गई है, पर वासु दूसरी तरफ ये भी सोचता है कि नैना इसकी बेटी है, नैना तो इसकी भी आधी बेटी हुई ना, फिर इसने भी अपनी सुहागरात मनाई थी और अपने बेटी के साथ ही गपागप भी कर लिया। यही बातें वासु को अंदर से तड़पाने लगती है। अब नैना अपनी माँ बसंती को अकेला छोड़ के यहाँ से चली जाती है। नैना को नहीं पता कि यही मेरा आधा बाप है, पर वासु के पास ये अच्छा मौका है अपना बदला लेने का, और बस अब वही करने लगता है।
वो बसंती के ऊपर ज़बरदस्ती करने लगता है तो बसंती चीखने चिल्लाने लगती है, पर वासु के पास इसको चुप करवाने का तरीका होता है। वो बसंती को उसकी बेटी का सेक्सी वाला वीडियो दिखाकर बसंती को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर मेरे साथ नहीं किया तो देखना मैं तुम दोनों की बदनामी पूरे गांव में कर दूंगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए बसंती को टेलर के आगे झुकना ही पड़ता है। फिर क्या, वासु अपने पूरे 25 साल का जुलूस बसंती के ऊपर ऐसे उतारने लगता है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वासु नाम सुन के जिसने भी फ्लावर समझा था वो तो हीरो निकला रे। टेलर काका तुसे ग्रेट हो, क्या सोच के काम चालू किया था और क्या कर रहे हो? पर अभी तो रुको, वासु बसंती की लेन में लगाई था कि तभी आती है पड़ोसन रानी, वो भी इन दोनों का साथ बराबर का देने में लग जाती है। इसकी माँ का भोलापन, क्या नसीब है रे तेरे साला, इधर एक नसीब नहीं होती और इसको तीन चार एक साथ मिल रही है। खैर अब वेब सीरीज के लास्ट में तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा वाला खतरनाक हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 27 मिनट का सीन है और वासु को 10 दिन के अंदर वो सब मिल जाता है जिसके लिए वो काफ़ी समय से तरस रहा था। इसको बोलते हैं नसीब। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने पार्ट वन की भी स्टोरी एक्सप्लेन की है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। जाते समय इस वाले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करके जाना। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।